हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है योगेश मुंदड़ा और आप देख रहे हैं चैनल सोलर पंडित। याद रखिए, चैनल का नाम पंडित नहीं पंडित है। आज हम बना रहे हैं जो एमएआरसी के अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट है उसकी जो लेटर्स हैं वो ड्राफ्टिंग कर रहे हैं। एमएआरसी ने प्रोसेस बहुत टफ कर दी, पिछली बार बहुत सिंपल थी, तो हमने उस टफ प्रोसेस को छोटे छोटे टुकड़ों में करके बहुत ईजी कर दिया है आपके लिए। थोड़ा एफर्ट लेना पड़ेगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग ये थोड़ा सा एफर्ट लें, मैं भी ये थोड़ा सा एफर्ट लूंगा, जिसकी वजह से हम हमारी इंडस्ट्री को बचा सके। मैं आपको लेटर्स के अलग अलग टाइप्स बता देता हूं। देखिए, सामने आपके स्क्रीन पे होगा सबसे पहले स्टूडेंट, है ना, यहाँ स्टूडेंट आपको दिख रहा है। स्टूडेंट के बाद सेकेंड लेटर है न्यू कस्टमर। न्यू कस्टमर मतलब जो अभी सोलर लगाना चाहता है। उसके बाद ईपीसी, ईपीसी प्लेयर यानी आप सभी लोग जो ईपीसी कर रहे हैं इसमें। उसके बाद ट्रेनर्स, ट्रेनर्स यानी जैसे मैं हूं या और भी लोग जो ट्रेनिंग करते हैं सोलर में वो लोग। इसके बाद सोशल वर्कर्स, जिसको पॉलिटिशियन सोशल वर्कर, ये लोगों के लिए ये लेटर है। और लास्ट है एसोसिएशन, जो सोलर के एसोसिएशन है उन्होंने ये लेटर ड्राफ्ट करने चाहिए। तो ये लेटर के बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेल मैं आपको दे देता हूं, इसको कैसे हमको भेजना है। हाँ, तो ये देखिए, सबसे ऊपर मेल करना है हमको MERCIndia@MERC.gov.in, और सेकंड मेल करना है आपको SETRCMACDCL@gmail.com। इनको मेल करना है, सीसी में इतने लोगों को रखना है। ठीक है, ये प्रोसेस थोड़ी सी मुश्किल है और तो, लेकिन आपको फॉलो करनी है। और बीसीसी में आपको रखना है info@masma.in और solarpundit@gmail.com, जिससे हमको मालूम पड़े कि आपने ये लेटर भेज दिया है। तो अब हम इसको एक, है ना, सैंपल आपके लिए कर लेते हैं। मैंने एक मेल आईडी अभी ओपन किया हुआ है, ये मेल आईडी मैंने ओपन किया। यहाँ पे मैंने, देखिए कितना सिंपल है, इसको सिर्फ ऐसे कॉपी करना है और यहाँ पेस्ट कर देना है। फिर सीसी में जाना है। प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स कर दी थी MACDCL ने, लेकिन अब हमने इसको एकदम सिंपल प्रोसेस कर दिया है। इसको कॉपी करना है और इसको यहाँ पेस्ट कर देना है। और लास्ट BCC, BCC में ये दोनों मेल आईडी को कॉपी करना है और यहाँ पेस्ट कर देना है। आपके सारे मेल एक साथ पेस्ट हो चुके हैं। अब हम आते हैं सब्जेक्ट के ऊपर। सब्जेक्ट, एक सेकेंड, सब्जेक्ट गलती से रह गया, एक सेकेंड में मैं ले लेता हूँ सब्जेक्ट। ये हमारा सब्जेक्ट है, यही सब्जेक्ट हमको यहां डालना है। उसके बाद अब ये स्टूडेंट का है, जो मेल आईडी मैंने ओपन किया है वो एक स्टूडेंट का है। तो आई एम ए स्टूडेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, या आप जो भी लिखना चाहें, सोलर एनर्जी। आई हैव चूजन दिस फील्ड एंड लुकिंग फॉर दिस, ये सारा स्टूडेंट के हिसाब से लिखा हुआ है। अब एक लाइन ये देखिए इसमें इंपॉर्टेंट है कि आई वॉन्ट टू बी हर्ड इन पर्सन एट पब्लिक हियरिंग एट एमएससी एट जो अलग अलग लोकेशंस दी हुई है, मैं एक पूरा पढ़ता हूँ फिर आपको बताता हूँ। आई वॉन्ट टू बी हर्ड इन पर्सन एट पब्लिक हियरिंग एट दिस लोकेशन इन फ्रंट ऑफ एमईआरसी ऑन दिस डेट, काइंडली अलॉट सुटेबल एंड सफिशियंट टाइम स्लॉट फॉर मी। अब इनकी पब्लिक हियरिंग हो रही है जो अलग अलग डेट पे हो रही है, जो इस वीडियो के एंड में मैं आपको इसमें डाल दूंगा कि कब का पब्लिक हियरिंग हो रही है। तो आपको वो पब्लिक हियरिंग की डेट इसमें डालनी है और वो लोकेशन इसमें डालनी है। तो लोकेशन मैं आपको बता देता हूँ, नवी मुंबई है, पुणे है, औरंगाबाद है, अमरावती है, नागपुर है और नासिक है। तो ये 6 लोकेशंस हैं जहाँ पे ये पब्लिक हियरिंग होने वाली है। तो आपको सपोज अभी हमको ये लोकेशन चाहिए है पुणे, मैंने पुणे डाला और यहाँ पे डेट डाल दी, जो पुणे की डेट है वो है 6 तारीख। और ये अब इसको मैंने पूरा कॉपी कर लेना है।
ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया सारा। अब यहाँ पे दयानंद जाधव, यहाँ पे नेम एड्रेस डाल दिया मैंने और ईमेल आईडी। तो ये देखिए, ये मैंने एक सैम्पल मेल है जो मैंने सेंड कर दिया। एमएससीडीसीएल ने, एमईआरसी ने इसको बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस कर दिया है ताकि कम से कम मेल जाए, पर मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग मैक्सिमम मेल करो। आपको ये मेल अगर नहीं समझ में आया होगा, ये प्रोसेस नहीं समझ में आई होगी, तो एक बार वापस पीछे जाइए और आप पूरा का पूरा प्रोसेस समझिए। उसके बाद भी कोई दिक्कत होती है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर हमेशा फ्लैश करता है, तो आप उस पर बिल्कुल मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मुझे कॉल भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये सेकंड वाला है, ये है कस्टमर के लिए। आई एम प्लानिंग टू इंस्टॉल सोलर सिस्टम ऑफ डैश किलोवैट। यहाँ पे किलोवैट आपको भरना है, फिल करना है कि इतना किलोवैट का हमको सिस्टम डालना है। आई केम टू नो कि ऐसे ऐसे चार्जेस लगे हैं, ये चार्जेस कैसे कैसे गलत है, इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, ये सारा का सारा आपको इसमें फिल करके भेजना है। फिर ईपीसी, ईपीसी यानी आप सभी लोग, आपको तो ये पूरा का पूरा भरना है और ये मेल करना है। अब इसमें एक चीज सिर्फ मेरे को आपको कहनी है कि जो लोग ये पब्लिक हियरिंग नहीं करना चाहते हैं, जो लोगों को लगता है कि पब्लिक हियरिंग वो नहीं बात कर सकते हैं, वो ये लाइन को आप डिलीट कर दीजिए। ऐसे वो लाइन को डिलीट करके आप आपका ये मेल फॉरवर्ड कर दीजिए। जिनको पब्लिक हियरिंग पे बात करना है, पब्लिक हियरिंग पे जरूर जरूर बात करनी चाहिए आपने, क्योंकि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है वो एमईआरसी के सामने रखना चाहिए। पब्लिक हियरिंग का जो हमारा एक्सपीरियंस है उसमें एमईआरसी बात नहीं करने देती है, तो थोड़ा सा जो लड़ाकू टाइप जो बात करना है वो आपको लाना पड़ेगा, जिसमें थोड़ा सा आपको एग्रेसिवली बात करनी पड़ेगी। तो ये एग्रेसिव बात करने वाले लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी कि ये पब्लिक हियरिंग का जरूर आप वाला स्लॉट भरें, और जो नहीं पब्लिक हियरिंग करना चाहते हैं वो ये पोर्शन डिलीट कर सकते हैं इस तरह, ठीक है। तो ये अभी ये लेटर आपको जो लेटर है ये कहाँ मिलेगा, ये आपको मेरे व्हाट्सएप पे मिलेगा ऑब्वियसली, तो आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो मैं ये लेटर का फॉर्मेट आपको भेज दूंगा, ठीक है। तो ये एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ, आपको आपके कॉन्टैक्ट के एसोसिएशंस को फोन करना है ये लेटर लिखने के लिए, सोशल वर्क और पॉलिटिशियंस को फोन करना है ये मेल कराने के लिए, ट्रेनर्स को फोन करना है ये करने के लिए, ईपीसीज को करना है, और न्यू कस्टमर्स जो आपके हैं प्रोस्पेक्टिव उनके लिए करना है, और स्टूडेंट के लिए। इसके अलावा आप एग्जिस्टिंग कस्टमर का भी इसमें डाटा ले सकते हैं, एग्जिस्टिंग कस्टमर भी न्यू कस्टमर जैसा ही फॉर्मेट यूज कर सकता है। अब इसमें मैं आपको एक और सीक्रेट बताता हूं, बेस्ट मेल कौन सा होगा पता है, जो आप आपके मन से लिखो। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट हमने बना के दिया है, लेकिन आपकी भावनाएं क्या है वो भी एमएससीडीसीएल तक पहुंचनी चाहिए। पर एमएससीडीसीएल तक पहुंचते वक्त आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर आपने इनको मेल नहीं किया और इनको सीसी नहीं किया तो आपका वो जो मेल है वो रद्द माना जाएगा, ठीक है। ये बीसीसी ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप बीसीसी करोगे तो हमको मालूम पड़ेगा कि आप लोगों ने मेल किया है, और आप लोगों से फर्दर कम्युनिकेशन करने को हमको इजी हो जाएगा। तो आई होप कि आप ये सारे मेल करें। मैं अपेक्षा करता हूं कि एक जो मेरा व्यूअर है वो एटलीस्ट 10 10 12 12 मेल करे कम से कम। मतलब अगर मेरी को ऐसी उम्मीद है कि मेरे इस चैनल के थ्रू एटलीस्ट एटलीस्ट आपको 10 से 15 हजार मेल जाने चाहिए। तो अगर 10 से 15 हजार मेरे चैनल के थ्रू मेल जाता है तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा, और हम डेफिनेटली ये जो एमईआरसी की और एमएससीडीसीएल की पॉलिसीज है इनको अच्छे से अपोज कर पाएंगे वो बिल्कुल। और आपको इस पूरे प्रोसेस में कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे जरूर फोन कीजिए। प्रोसेस उन्होंने कॉम्प्लेक्स रखी है, हमने इसको सिंपल कर दी है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को आपको फॉलो कीजिए और ये मेल फटाफट भेजिए। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात, इंपॉर्टेंट बात, इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों को शेयर करें ताकि मेल कैसे करना है ये उनको इजीली समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच और बाय बाय।